वालेकुम फ्रेंड्स आर यू इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के आसार कदीमा के जो ख़जाने हैं उसका आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो चलिए फ्रेंड्स अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है पहला सवाल है हमारे पास वट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं आसारे कदीमा के जो मकाम हैं वो कौन से हैं वो बताइए तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने लेसन में पढ़ा है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मकामा हैं सबसे पहले जो हमने जिसका पढ़ा था टेक्सला था नेक्स्ट हमने मोइे दौड़ों के बारे में पढ़ा इसके अलावा भनबूर लाहौर के बारे में हमने पढ़ा तो यहाँ पर टेक्सिला में गंधारा आर्ट के बारे में हमने पढ़ा इसके अलावा मोइे में हमने इंडस वैली की तहजीब के बारे में पढ़ा भनबूर ने हमें बताया दीबल और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और लाहौर ने हमें मोगल एम्पायर्स और मुगलिया दौर के बारे में हमें बताया तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है टेक्सिला मोइों भानबूर एंड लाहौर आर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान आपने बताना है कि ये कुछ पाकिस्तान के नहायती ही अहम आसार कदीमा के मकाम हैं टेक्सिला शोज़ दी ग्रेटनेस ऑफ दी गंधारा आर्ट टेक्सिला ने हमें गंधारा आर्ट के बारे में बताया मोन्जे दारो रिफ्लैक्स दंडस वैली सिविलइजेशन मोइेदारों ने हमें जो दरियाए सिंध है उसकी तहजीब के बारे में बताया भनबूर टेल एस अबाउट दिबल

वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्सिला एस एन आर्कुलॉजिकल साइट के आसार कदीमा के मकाम में से टेक्सला जो है वो क्या अहमियत का हामिल वो रखता है क्या अहमियत रखता है तो फ्रेंड्स हमने लेसन में पढ़ा है कि इसमें एक तो अलेक्जेंडर और अशोका इन दो की वजह से यानी कि सिकंदर अजम और अशोका की वजह से यहाँ पर यह बहुत मशहूर हुआ और इसके अलावा ये पाकिस् हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत कदीम शहर है इसके अलावा यहाँ पर जो है बड़ी यूनिवर्सिटी भी है और यहाँ पर हमें फ़नून लतीफा का बहुत ज़्यादा ख़ज़ाना मिलता है गंधारा का आर्ट हमें यहाँ पर मिलता है और इसके अलावा हमें यहाँ पर दूसरी भी बहुत सी जो डिस्कवरीज़ हैं वो यहाँ पर हमें मिली हैं तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने लिखना है टेक्सला एस एन आर्कोलॉजिकल साइट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस कि टेक्सला जो है आषार कदीमा के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इट इज़ नाउन ऑफ ऑल पाकिस्तान आर्कोलॉजिकल सेंटर्स ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो क़दीमा का मरकज़ की हैसियत रखता है सिचुएटेड अबाउट थर्टी माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ रावल पिंडी जो कि रावल पिंडी के शुमाल मगरब से तकरीब थर्टी माइल्स तीस मील का फासले पर वाह किया है इट इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स रिचनेस ये ना सिर्फ इसके जो इसमें चीज़ें हैं उसकी वजह से मशहूर है बट आल्सो फॉर इट्स एसोसिएशन विद अलेक्ज़ेंडर एंड अशोका लेकिन अलेक्ज़ेंडर सिकंदर आज़म और अशोका की वजह से जो ताल्लुक है इसका वो भी उस वजह से भी मशहूर है इट वॉज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुधज़म एंड द सीट ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी ये जो था ना एक बहुत बड़ा मरकज़ था बुधमत का और यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी दी डिस्कवरीज़ एट टेक्सला कॉन्ट्रीब्यूट टू दी वर्ल्ड्स आर्टिस्टिक ट्रेजर्स तो ये जो है टेक्सला की जो दरियाफ्तें हैं वो हमें दुनिया की बड़ी बड़ी जो फ़नून लतीफ़ा हैं उसका ख़ज़ाने हमें वहाँ पर मिले हैं दी गंदारा आर्ट इज़ दी कम्बीशन ऑफ बुढ़िस्ट एंड मेडिटेरियन इन्फ्लुंस और गंदारा का जो फ़न है वह हमें बुध मत और बहिर रूम के जो इन्फ्लुंस है तसुर है उससे मिला है दी प्लेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ दर्क डन बाई बुद्धस्ट स्कॉलर्स और ये जो जगह है टेक्सला ये इस वजह से भी मशहूर है कि वहाँ के जो बुद्ध मत के जो स्कॉलर थे उन्होंने काम किया था विच वन मेड इट रिलीजियसली सेक्रेड एरिया जिसकी वजह से मज़हबी तौर पर भी इसे बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो मिली थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मोइजे दाड़ो कह रहे हैं कि कोई आप मोइजे दाड़ों की दरियाफ्त का कोई भी एक अहम पहलू जो है ना वो आप हमें बता दें तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि हमें मोइजे दाड़ों में भी बहुत कुछ जो है मिला है एक तो ये था कि हमें पता चला है कि ये पाँच हज़ार साल पुरानी तहजीब है जो कि वादिय सिंध की तहज़ीब से जाकर मिलती है आर्यन की इन्वेंशन से आने से पहले और इसके अलावा यहाँ पर हमें तकरीबन चार तरह के मुख्त लोगों की जो रिहाइश है उसका भी पता मिलता है जबकि उन्होंने खोपड़ियों के जो मायने किए गए थे कि यहाँ पर अल्पाइंस मुग़ल्स और दूसरी हर तरह के लोग आबाद हुए हैं आकर मुइेदाड़ों में तो आप लोगों ने इसका आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने लिखना है one of the most important aspects of the discovery of monje daro is its confirmation to the established indus valley civilization before the arrival of the aryan invaders जो है ना कन्फर्मेशन यानी कि ये इस बात का सबूत मिला है दी इस्टेब्लिश इंडस वैली के वादय सिंध जो है उसकी तहजीब का मिला है बिफोर दि अराइवल ऑफ़ आर्यन इन्वेडर्स आर्यन जो थे उनके आने से पहले इट आल्सो कन्फर्म्स दी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन एथनिक ग्रुप्स और यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा नस्ली ग्रुप जो है नस्ली ग्रोह हैं उनके आबाद होने का हमें सबूत मिला है इंक्लूडिंग जिसमें मुश्तमिल हैं मेडिटेरियन है अल्पाइन है मंगोलियन है एंड प्रोटो ऑस्ट्रोलियर्स हैं इन सारे ग्रुप्स का हमें पता लगता है कि वहाँ पर ये सब ग्रुप जो हैं आबाद हुए हैं आकर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर वेयर इज भनबूर वट इज़ आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट के भनबूर जो है वो कहाँ वाकिया है और आसार कदीमा के लिहाज से ये कैसे दिलचस्पी का हामिल है तो फ्रेंड्स हमने लेसन में पढ़ा है कि इंडस तक पहुंचने का जो वादिया जो सिंध है सिंध की जो वादी है उस तक पहुंचने का रास्ता है भनभूर और इसके अलावा जो है कराची से तकरीबन ये 40 किलोमीटर दूर वाक़ है और इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है आशार कदीमा के लिहाज से वो इस लिहाज से है दिबल यानी कि जहाँ पर मोहम्मद बिन कसिम जो है वो उतरे थे उस वजह से ये इम्पोर्टेंस का हामिल है तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने लिखना है भनबूर इज़ वन ऑफ द चैनल्स ऑफ द इंडस के सिंध तक पहुँचने का एक तो इसमें रास्ता है इट इज़ अबाउट फोर्टी माइल्स फ्रॉम कराची ये कराची से तकरीबन चालीस किलोमीटर दूर है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीन दाइट ऑफ दीबल, वी आर मोहम्मद बिन कासिम लैंडड और एक इस वजह से भी ये जगह मशहूर है कि दिबल की वजह से जहाँ मोहम्मद बिन कसिम उतरे थे अ मोस्क हैज बीन डिस्कवर्ड हियर और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद भी दरियाफ़त की गई है विच डेट्स फ्राम जिस पर तारीख़ें लिखी गई हैं अबाउट अ हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स आफ्टर तकरीबन डेढ़ सौ साल के बाद की दी स्टार्ट ऑफ दि मुस्लिम इरा इन दिस एरिया इस इलाके में मुसलमानों का जो दौर शुरू होने की तकरीबन डेढ़ सौ साल की बाद की तारीखें भी हमें यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं इस वजह से ये इन सब चीज़ों की वजह से ये एरिया जो है वो मशहूर है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स डेट बिलोंग टू मुगल पीरियड के मुग़लिया दौर के हवाले से आप जो है ना कौन से आसार कदीमा के खजाने आपको मिले हैं वो बताइए तो फ्रेंड्स मुगलिया दौर में जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल जो है वो लाहौर है जिसके बारे में हमने लेसन में पढ़ा है लाहौर में हमें बादशाही मस्जिद मिलती है मुगलिया दौर की अनारकली का मकबरा मिलता है जहांगीर का मकबरा मिलता है और मुगलिया दौर की हमें फ़न तामीर की बहुत सी चीज़ें हमें जो हैं अभी तक नज़र आती हैं वहाँ पर तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने लिखना है मुगल पीरियड के बारे में दी ट्रेजर्स ऑफ मुगल पीरियड के आसार कदीमा के जो मुगलिया दौर के ख़जाने हैं सच एस जैसे कि दी बादशाही मॉस्क बादशाही मस्जिद है दी अनारकली टॉम अनारकली का मकबरा है एंड दी जहांगीर टॉम और जहांगीर का मकबरा शो दी इंटरेस्ट ऑफ मुग़ल रूलर्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें मुगलिया दौर के जो हुक्मरान हैं उनके हमें दिलचस्पी और उनकी फ़न तमीर से मोहब्बत जाहिर करते हैं दे शो द्किल ऑफ दी स्टोन स्टोन कारवर्स एंड मास अप्लाई टू दी पैलेस गार्डन्स एंड टॉम्स और वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें वहाँ शो जाहिर करती हैं द स्किल्स हमारे ऊपर वो महारतें जाहिर करती हैं स्टोन कारवर्स जो वहाँ के पत संग तराशों ने वहाँ पर महारत करके वो अमारत तमीर की इसके अलावा वहाँ के मजदूरों ने जो मेहनत की किस किन चीज़ों पे मेहनत की टू दी पैलेस वहाँ के महलात पर हमें नज़र आती हैं गार्डन्स उनके बागात पर एंड टॉम्स और उनके मकबरों पर दे रिफ्लेक्ट अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्ट तो वहाँ पर हमें ना बहुत ही खूबसूरत इम्तियाज़ मिलता है हिंदू और मुसलमानों का फ़न के बारे में दी अनारकली टॉम हैज़ ए स्पेशल रोमांटिक अपील फॉर पीपल और जो अनारकली का मकबरा है वो तो ख़ास तौर पर लोग जो हैं एक रोमानी हैसियत रखता है लोगों के लिए या सियाहों के लिए तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लेसन लेसन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान के कुछ इंपॉटेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कम्प्लीट होते हैं